जिस एक्टर की 22 सालों से एक भी मूवी फ्लॉप ना हुई हो और जिसकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार होता हो, अगर उसकी बैक टू बैक दो फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो कॉन्फिडेंस उसका 0 डिग्री पर जाना ही है। बहरहाल आमिर खान के साथ भी यही हुआ है। आमिर खान की आखिरी फ्लॉप मूवी थी मंगल पांडे, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से बंदे की कोई मूवी फ्लॉप हुई नहीं। अब जाकर लाल सिंह चड्ढा और ठग ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हुई हैं और ये बात सदमे की तरह लगी आमिर खान को। इसी वजह से आमिर खान ने अपने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट कैंपियनोज यानी चैंपियन को होल्ड कर दिया। कहा गया सलमान खान को अप्रोच कर रहे हैं, पर सलमान खान इतनी जल्दी आमिर खान की मुट्ठी में आने वाले हैं नहीं। बहरहाल ये प्रोजेक्ट होल्ड पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि यशराज अब अपने ब्रेक से आमिर खान को वापस लाने वाला है और इसके लिए एक बहुत बड़ी एक्शन मूवी की प्लानिंग चल रही है। एक्चुअली आमिर खान ने ही अप्रोच किया है, बिकॉज शाहरुख खान की पठान ने उनको एक ऑक्सीजन का ब्रांड दे दिया है। उनको लगता है कि अगर शाहरुख खान पठान के जरिए एक्शन फिल्मों से अपना कमबैक कर सकते हैं तो वो भी एक्शन से वापस आ सकते हैं, और वो तो एक्शन के ऑलरेडी किंग रह चुके हैं, बिकॉज उनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं जो एक्शन बेस्ड हैं और सारी की सारी ब्लॉकबस्टर भी हुई हैं। इसके अलावा अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, सब के सब बैक टू बैक एक्शन मूवी कर रहे हैं। ऐसे में आमिर खान भी अपने धूम 3 के करेक्टर यानी समर और साहिर को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने आदित्य चोपड़ा से डिस्कशन भी किया है, बिकॉज आमिर का जो एक्शन वाला रिकॉर्ड है बहुत बेटर है। फिर चाहे वो गजनी हो, जो कि बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ मूवी थी, या फिर सरफरोश हो या गुलाम, और धूम फ्रेंचाइजी में तो उन्होंने अलग लेवल का एक्शन किया था, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको फिर से एक्शन मोड पर लाया जाए। और यशराज से बेटर पैकेजिंग कोई एक्शन की आजकल कर नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ पठान, टाइगर एंड वॉर। बहरहाल एक खबर और आई थी कि वो एनटीआर जूनियर के साथ एक मारधाड़ वाली एक्शन मूवी करने जा रहे हैं, लेकिन आमिर खान के विलन का रोल करने की चर्चा वापस से बंद हो गई, बिकॉज एनटीआर खुद विलन बनकर वॉर 2 में आ रहे हैं ऋतिक के अपोजिट। तो यहाँ आमिर खान का एंगल तो खत्म हो गया, लेकिन आमिर खान धूम में वापस से अपने आप को रिवाइव करेंगे या फिर स्पाई यूनिवर्स में घुसपैठ करेंगे या फिर कोई नई कॉन्सेप्ट मूवी बनेगी, ये आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही खान को देखकर खान रंग बदल रहा है। यानी जो काम सलमान खान और SRK कर रहे हैं, वही काम आज आमिर खान करना चाहते हैं। वक्त भी कितना बेरहम होता है। एक दौर था सलमान खान और SRK आमिर खान को कॉपी करते थे, लेकिन आमिर खान आज रिवर्स फॉर्म में इन दोनों को कॉपी कर रहे हैं, बिकॉज जो चलता है उसी के पीछे लोग चलते हैं। और फिलहाल पठान चल रहा है, टाइगर चल रहा है, अब ये छोटा खान क्या करेगा ये बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। और अगर एक्शन में कमबैक होता है तो धूम 4 बनने के पूरे चांसेज हैं, बिकॉज धूम फ्रेंचाइजी एक ऐसी है जहां आमिर खान खुद को जस्टिफाई कर चुके हैं डबल रोल में। और अगर धूम 4 में उनका कमबैक होता है तो इस बात के बहुत सारे चांसेज हैं कि सलमान खान को भी इसमें एंट्री दिलाई जाए, बिकॉज अभिषेक बच्चन ऑलरेडी बंटी बबली के बाद यशराज से दूर चल रहे हैं और हो सकता है धूम से वो बाहर हो जाएं। ऐसे में सलमान खान और आमिर खान धूम मचाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।